इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं IRDA। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिसेंट ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है, जिसको IRDA जो अथॉरिटी होती है रेगुलेट करती है, वो उसके क्या रोल होते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे कि IRDA क्या क्या रोल प्ले करता है इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और कस्टमर के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। IRDA ए वॉज सेटअप इन 1996। ठीक है, ये डेटा याद रखना। इट वॉज इनिशियली नोन एज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट वॉज सब्सिक्वेंटली रिनेम्ड एज द IRDA। द IRDA वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट एज द ऑटोनमस। ये देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है लोगों ने, क्या है, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट एज द ऑटोनमस बॉडी इन अप्रैल 2000। मतलब 2000 में, 2000 में क्या हुआ कि ये जो IRDA है, ये जो अथॉरिटी है, जो सेंटर है, वो ऑटोनमस हो गया। ऑटोनमस की, ऑटोनमस का मतलब क्या होता है कि वो उसको फ्रीडम मिल गई, मतलब वो फ्रीली कोई भी डिसीजन इंश्योरेंस सेक्टर में ले सकता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनमस बॉडी इन द अप्रैल 2000 टू रेगुलेट एंड डेवलप द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, बिजनेस इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए उसको फ्रीडम मिल गई, ऑटोनमस बॉडी हो गया वो इंश्योरेंस सेक्टर, सॉरी IRDA। ठीक है, एंड री इंश्योरेंस इन इंडिया। अभी हम पढ़ेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और रोल क्या है IRDA के। ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ IRDA। द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ IRDA इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है IRDA का, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव होता है IRDA का। ठीक है, क्योंकि एक कस्टमर और जिसे हम बोलते हैं पॉलिसी होल्डर ही ऐसा है जिसकी वजह से जिस इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है, ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, अगर होल्डर ही नहीं रहेंगे, कोई पॉलिसी लेगा ही नहीं, तो इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप नहीं कर पाएगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है IRDA का। ठीक है, टू रेगुलेट प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इंडस्ट्री को क्या करना है, रेगुलेट करना, प्रमोट करना। ठीक है, और ऑर्डिनरी ग्रोथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना, प्रोटेक्ट करना, फिर रेगुलेट करना, प्रमोट करना और फिर ग्रोथ भी करना इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। दस द IRDA हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव उसके बताए हैं लोगों ने, उसके बाद हम मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। अब पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। अब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखने का क्या मतलब है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो हाईली प्रीमियम ना चार्ज करे, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड ना करे, ये सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है, IRDA रखती है। ठीक है, जो अथॉरिटी है इंश्योरेंस सेक्टर की। और सेकेंड क्या है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, अब हेल्दी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में और इंडस्ट्री में ऐसे ग्रोथ होने चाहिए जो सोशल बेनिफिशियल हो। ठीक है, मतलब सबका उसमें बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 100 रुपए की, या फिर फॉर एग्जांपल 10,000 की, 10,000 की, ऐसे बहुत सारी पॉलिसी ले रहे हैं बट बेनिफिशियल नहीं है वो पब्लिक के लिए भी, प्लस इंश्योरेंस सेक्टर का भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो हेल्दी नहीं होगा। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ना पॉलिसी का, अगर 10 10,000 के ही बहुत सारी पॉलिसी बढ़ रहे हैं तो उसे हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे, हेल्दी ग्रोथ नहीं बोलेंगे। अगर वही करोड़ के, ठीक है, लाखों के अगर पॉलिसीज बढ़ रहे हैं क्वांटिटी में, ज़्यादा में, तो उसे हम बोलते हैं हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तभी वो इतनी महंगी पॉलिसी ले पाते हैं। ठीक है, तो इन सारी दोनों चीज़ों का ख्याल कौन रखता है, IRDA। ठीक है, द डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA आर द फॉलोइंग। अब हम पढ़ेंगे डिटेल, मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि पॉलिसी होल्डर मेन दो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, और सेकेंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि होते क्या है, मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं IRDA के। फर्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर।
सेकेंड है टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव और रोल क्या था अथॉरिटी का, कि जो भी है मतलब स्पीडी मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर के हिसाब से मतलब ऐसा जैसा ऑर्डर होगा आईआरडी का उसके हिसाब से, ठीक है। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन मतलब सबके सबके लिए वो सारी जो ग्रोथ होगी इंश्योरेंस सेक्टर की वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, राइट, कॉमन मैन के लिए। एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मतलब बहुत टाइम के लिए लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करना चाहिए फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, राइट, मतलब इकोनॉमिक की एक्सेलरेट मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, राइट, बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी अगर लॉन्ग टर्म फंड मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए फंड मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर से, तो ठीक है। तो क्योंकि किसी भी सेक्टर का एक कंट्री में डेवलप होना वो बेसिकली क्या डेवलप कराता है, इकोनॉमिक, राइट। तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर, जो भी सेक्टर डेवलप करेगी तो उसका इफेक्ट किस पे होता है, इकोनॉमिक पे ही होता है, बेसिकली इकोनॉमिक ही ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडी का ये मेन एम होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेट प्रमोट मॉनिटर एंड एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। देखो अगर कोई भी एक सेक्टर है अगर उसकी कोई अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी का एम क्या होता है कि जो भी सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, राइट। अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी और फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं होगा, फेयर डीलिंग नहीं होगी, ठीक है, तो फिर उस सेक्टर का डेवलप करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, राइट। क्योंकि अगर फेयर डीलिंग नहीं होगी, फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं होगा और इंटीग्रिटी नहीं होगी, ठीक है, इंटीग्रिटी नहीं होगी किसी भी सेक्टर में तो फिर वो कॉमन मैन के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ उस सेक्टर के लिए ही बेनिफिशियल होगा, कंट्री के लिए होगा नहीं, सोशली तो ये बेनिफिशियल हो नहीं पाएगा, राइट। तो अथॉरिटी का एम क्या होता है कि जो भी सेक्टर में चल रहा है फंक्शन वो इंटीग्रिटी बेस पे होना चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल सबको ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी को भी झूठा स्कीम दे के प्रीमियम ले रहे हैं बाद में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये फ्रॉड हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये अथॉरिटी देखती है, प्रमोट करती है, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो भी वही देखती है कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी फंक्शन हो रहा है उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, राइट। अगर क्योंकि इंटीग्रिटी नहीं होगी तो बेनिफिट नहीं हो बेनिफिशियल नहीं होगा कंट्री के लिए, प्लस इकोनॉमी भी ग्रोथ नहीं करेगी, अनहेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये है कॉम्पिटेंस ऑफ दोज इट्स रेगुलेटेड, ठीक है। अब जो भी ये मतलब जो रेगुलेट करता है उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, टू इंश्योर दैट इंश्योरेंस कस्टमर रिसीव प्राइसेस क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब एंड मेक देम अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देखो बहुत ये अच्छा रोल है आईआरडी का इंश्योरेंस सेक्टर में, कि टू इंश्योर दैट इंश्योरेंस कस्टमर रिसीव प्राइसेस एंड क्लियर। देखो प्राइसेस और क्लियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस सेक्टर क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि वो कस्टमर को समझ ही ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी उसके कस्टमर को, वो क्या होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, राइट, प्लस क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी लिखा है क्लियर होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, छोटी इन्फॉर्मेशन है मतलब समझ में आ जा रहा है वो ठीक है, बट क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्या बेनिफिट होगा वो कस्टमर को बताएगा, ठीक है। इनकरेक्ट होगा तो फिर फायदा कस्टमर का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर का होगा, कंपनी का होगा, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयर कराना होता है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी, प्लस जो कस्टमर है पॉलिसी होल्डर है वो भी, दोनों के बीच में एक करेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये एक रोल होता है आईआरडीए का। अभी फिफ्थ क्या है, टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द जेन्यून क्लेम्स, ओके,
टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड, ठीक है, देखो क्या लिखा है, टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम, ठीक है, जो भी सेटलमेंट करना है, जैसे कि किसी ने कार इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसका क्लेम तुरंत होना चाहिए, ठीक है, सेटलमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको उसका क्लेम करने में, उसको पैसे देने में 1 साल 2 साल निकल गए, फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड, ठीक है, इंश्योरेंस फ्रॉड से उस इंश्योरेंस सेक्टर को बचाने के लिए कौन काम करता है, IRDAI क्या करती है, रेगुलेट करती है और बहुत सारी रिसर्च करती है, इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको हम, जो नज़र रखती है इंश्योरेंस सेक्टर पे कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट मतलब क्या, होने से पहले बचाव करना, ओके। एंड अदर माल प्रैक्टिसेस एंड द पुट इन द प्लेस इफेक्टिव ग्रीवेंस रेड्रेसल मशीनरी, ठीक है। ये ग्रीवेंस क्या होता है, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती है, ठीक है, जो भी शिकायतें होती हैं कस्टमर को इंश्योरेंस के स्कीम से लेके या फिर उनके सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उसके लिए कुछ मशीनरी होनी चाहिए, राइट, ये सेट करता है IRDAI। फिर उसके बाद कुछ रेड्रेसल, ये मतलब एक अथॉरिटी होती है जो कंप्लेंट्स को सेटल करती है, ठीक है, इफेक्टिव मैनर में, ओके। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये कौन करता है, IRDAI करती है, कि कोई भी कंप्लेन हो कस्टमर को तो वो किसी भी मशीनरी के थ्रू या फिर किसी भी वेबसाइट अथॉरिटी ऑफिस में वो कंप्लेन कर सके, ठीक है। तो ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि किसी भी सेक्टर में एक कंप्लेन के लिए कोई एक अथॉरिटी होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक सेक्टर से कुछ ना कुछ कंप्लेन तो होती ही है कस्टमर को, और उस कंप्लेन को खत्म करना, उसका सलूशन निकालना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सेक्टर के लिए, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, टू प्रमोट फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग विद इंश्योरेंस, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, टू प्रमोट फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए, मतलब धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ फेयर होनी चाहिए, ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, मतलब कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्कीम होती है, इंश्योरेंस ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे अगर कोई कस्टमर डील करता है, ठीक है, कोई भी स्कीम लेता है, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऐसा ही क्लेम टाइप का स्कीम होता है और ये सेक्टर है, ठीक है, जो इंश्योरेंस सेक्टर ऐसी कंपनी होती है, सेक्टर होती है जो मतलब जैसे कि गारंटी देती है कि कुछ भी लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो क्लेम करेगी, ठीक है, पैसे देगी, तो उस चीज पर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग विद द इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, जो भी डीलिंग कर रहे हैं उसमें प्रमोट फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये किसके रोल होता है, IRDAI का होता है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है IRDAI का, क्योंकि ये अगर सारी चीजें होंगी इंश्योरेंस सेक्टर में तो ही इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, करेगा बट अनहेल्दी ग्रोथ होगा, राइट, कुछ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, सीधी सी बात है, अगर कोई भी सेक्टर है उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो सेक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा, करप्शन नाम की चीज आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी सेवन देखेंगे हम, सेवेंथ है टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री में डे टू डे रोज जो काम हो रहे हैं उसमें ऑप्टिमम मैनर में सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वो फॉलो होने चाहिए, ठीक है, डे टू डे वर्किंग में ऑप्टिमम मैनर में, ठीक है, ऑप्टिमम मैनर में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए डे टू डे वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में जो भी वर्क हो रहा है उसमें ऑप्टिमम मैनर में सेल्फ रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। बट क्या लिखा है, कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन, ठीक है, देखो ये तो लिखा है इन लोगों ने कि ऑप्टिमम मैनर में सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए डे टू डे वर्किंग में, ठीक है, बट ये भी लिखा है कि विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन। अब प्रूडेंशियल रेगुलेशन मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कैश को या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब इतना ज़्यादा कैश, मतलब जितना
जरूरत हो उतने अमाउंट में कैश को होल्ड करके रखना, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कि आगे कोई अगर इंश्योरेंस सेक्टर में रिस्क हो गया तो उसको वो फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इतना कैपिटल रखना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूडेंशियल रेगुलेशन, ठीक है, उतना कंसिस्टेंट होनी चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल और ऑब्जेक्टिव होता है IRDA का, ठीक है, कि जो भी काम हो रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होके होना चाहिए, ठीक है, रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, प्लस उस इंश्योरेंस सेक्टर में कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब कैपिटल को रिजर्व करके रखना चाहिए कि आगे कोई रिस्क हुआ तो उस रिस्क को हम फुलफिल कर सके, ठीक है, उस रिस्क को हम सॉल्व कर सके अगर हमारे पास फाइनेंस रहेगा तो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होता है IRDA का। आई होप समझा होगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA, ठीक है, थैंक यू।